वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम सीखेंगे आम का अचार बनाना, जो कि एक डेढ़ महीने पहले की ये रेसिपी है जो सिस्टम पे थी। तो मैं सोची इसे अपलोड कर देती हूँ एडिट करके। इस तरह से एक बार आप ट्राई करके देखना, आपके आम का अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये है 5 किलो आम, ठीक है। इसमें अभी होने के लिए 1.5 घंटा पानी डालकर इस तरह अंदाजे से नमक डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। वैसे इसको मिला चुके हैं अच्छे से, सब में एक एक आम में नमक और हल्दी लग चुकी है, जिसको हम इसे ढक के रात भर एक साइड में रख देंगे। इसे हम ढक के रख देंगे ऐसे, तो इसको फिर शाम को मसाला मिलाते फिर आपको दिखाते हैं। इसको ढक करके और रख देंगे, ठीक है। ये 200 ग्राम सरसों है, इसको कढ़ाई में अच्छे से गरम कर लिए ज़्यादा देर नहीं, 2 या 2.5 मिनट। और ये है 100 ग्राम से भी कम सौंफ, ये 50 ग्राम मेथी और ये 100 ग्राम काला सरसों। इसको अच्छे से कढ़ाई में गरम करके, अब ठंडा हो गया है, इसको मैं पीस के मसाला तैयार करूँगी। इसे ज़्यादा मोटा नहीं पीस, मतलब महीन नहीं पीसना है, बारीक नहीं पीसना है, इसको थोड़ा सा मोटा ही पीसना है, दरदरा टाइप का। और ये हमारा साबुत सौंफ 3 चम्मच के जितना, जो कि हम चार ऊपर से डालेंगे। ये 80 ग्राम के लगभग अजवाइन है और ये अराउंड 35-30 ग्राम्स मंगरेला है, काला जीरा भी इसको बोलते हैं, अनियन सीड्स भी बोलते हैं, और 1.5 टू 2 टेबल स्पून अराउंड इसमें हम हींग डालेंगे। ये 250 से 300 ml का मस्टर्ड ऑयल है, जो अच्छा से गरम करके एकदम धुआं आने तक इसको गरम किया गया है। यह है नमक, जो कि नमक अभी और इसमें डलेगा। और यह है विनेगर, वाइट विनेगर अराउंड 1/4 कप इसमें जाएगा। और यह है काला नमक, ठीक है, ये अराउंड 1/4 कप समथिंग जाएगा, बस टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने इसमें वाइट नमक ऑलरेडी डाला हुआ है। और एक काश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि कलर के लिए, और इसमें हल्दी है, देखिए थोड़ा सा हल्दी अभी और डालना है इसमें। और इसमें तीखी तेज वाली लाल मिर्च है, जो अराउंड 100 ग्राम्स डालेंगे इसमें हम। तो इस तरह से मसाला पिस चुका है सारा, अब इसे हम ये आम वाले पानी में
मिलाएंगे। तो ये आम वाला पानी है, इसमें ये मसाला गया सारा। अभी सरसों, जो भी पीला सरसों, काला सरसों, सौंफ और मेथी को मैंने भुना था, ये वही वाला मसाला है। इसको दरदरा पीस लिया गया, बिल्कुल बारीक नहीं है, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल बारीक नहीं है। अब इसमें अराउंड 100 ग्राम मिर्ची जाएगा। ये 100 ग्राम तीखी वाली लाल मिर्च है। हल्दी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हल्दी पहले भी हम लोगों ने आम में मिक्स किया था, अराउंड 2 टेबल स्पून इसमें हल्दी डालेंगे बस। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जो कि 3-4 टेबल स्पून जितना डालेंगे, जिससे थोड़ा सा कलर आइए, तीखा नहीं होता है, बस कलर के हिसाब से या टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 50 ग्राम अराउंड काला नमक डालेंगे। अराउंड 50 ml विनेगर जाएगा, 1.5 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून काफ़ी है, 1 टेबल स्पून ही आप डाल सकते हैं। अभी ये गरम किया हुआ मस्टर्ड ऑयल है कि 250-300 ml है, इसे अच्छे से खौला करके एकदम इसका धुआं निकाला गया है, इसे ठंडा करके अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें साबुत, अजवाइन, सौंफ और ये काला जीरा है मंगरेला, वो डालेंगे। अब सारा मसाला इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, रात भर इसको ढक के रखेंगे और इसे 3-4 दिन पूरा धूप देंगे और फिर इसे बर्नी में डालेंगे। तब तक ये इसी प्लास्टिक के टप में अच्छे से धूप में पकिएगा, इसको कपड़ा लगा करके ऊपर से ढक देंगे ताकि कचरा वगैरह ना गिरे। इसे हम अच्छा से हाथ से मिलाएंगे, बस अपना हाथ गीला नहीं होना चाहिए पानी से, अच्छा से ड्राई होना चाहिए, हाथ धुले होना चाहिए, और आज अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। इसे अच्छा से हम मिलाएंगे हाथों से ताकि सारे आम के टुकड़ों को मसाला लग जाए। अच्छे से इसको हाथ से मिलाना है पूरा सब तरफ से, और आपको अचार कभी भी मिक्स करना हो इस तरह के टप में ही मिक्स कीजिएगा, कि अगर आप स्टील का बर्तन किसी चीज़ में भी मिक्स करते हैं उसमें काला काला सा दाग आ जाता है और अचार अभी फिर आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। रखेंगे कपड़ा से, तो इस तरह से हम 3-4 दिन तक इस अचार को धूप लगाएंगे और फिर बोयाम या फिर कांच की बर्नी में डाल करके भी हम इसे 6-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन धूप लगाएंगे, फिर आपका अचार कभी नहीं खराब होगा।
ठीक है। और इस तरह से लकड़ी वाले स्पून से आप मिलाइए, वाले स्टील वाले मिलाएंगे तो उसमें जंग भी लग जाता है। गेंद के ब्रश पकड़ लेते हैं इसमें, बच गया था मैंने इस डब्बे में डाल दिया। तो इस तरह से एक बार आप आम का अचार बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी नई नई रेसिपी के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।